हेलो, मैं नरेंद्र कुमार रोती एनएम न्यूज़ से। आज मैं अंजनी माता आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है और काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर भी हैं यहाँ पे। और जैसे आप देर देख रहे हैं, ये अंजनी माता मंदिर है। ये अंजनी माता मंदिर है, काफ़ी लोकेशन इसकी अच्छी है। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ की लोकेशन काफ़ी सुंदर अच्छी है। यहाँ पे गार्डन भी हैं, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। हमारे जगदीश जी आज पूछेंगे वो सर कहाँ का। सर, आप आज अपना राजस्थान में मैं आया हूँ, तो आप हमें कहाँ कहाँ ले जाएंगे? सर, आपको बहुत अच्छी जगह दिखाएंगे। हमारे अंजनी माता का मंदिर है जी। और हमारे गांव में भी अच्छी अच्छी चीज़ देखने लायक है जी। वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे हमारे राजस्थान में कैसे रहन सहन होती है लोगों की, किस प्रकार के रहते हैं, किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, और कैसी पैदावार होती है, पानी की समस्या है, और भी पूरी चीज़ हम सर जी को दिखाएंगे आज। यहाँ पर जगदीश सैनी ने काफ़ी अच्छी बात बताई। यहाँ पर बताया कि मैं गांव की वो लोकेशन दिखाऊंगा जहाँ पे जैसे खान पीन का है, रहन सहन के कैसा क्या होता है। मैं सर से भी पूछता हूँ, सर आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। कितने साल से आ रहे हैं बालाजी? सर 4 साल हो गए। बाबा ने हर मुराद को पूरी की, नया साल आप यही बनाने आते हैं? नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूँ 2-4 दिन पहले। यहाँ पर सर का कहना मैं 2-4 दिन में, मैं हमेशा बालाजी से जुड़ा हूँ, बालाजी की काफ़ी अच्छी कृपा है। जैसे आप लोकेशन मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अंजनी माता है, ये गुफा में शंकर जी का मंदिर है। कितनी प्यारी लोकेशन है। क्यों जगदीश सैनी जी इधर भी चल सकते हैं? चल सकते हैं सर, इधर चलो, इधर चलो, आप चलिए। हमारे जगदीश जी चले जा रहे हैं और वो मुझे सारी चीजें दिखा रहे हैं। जगदीश जी, आप बता रहे हैं, आप कैमरे के सामने हैं। जगदीश जी, आप एक चीज बताइए, ये सब गार्डन जो है वो जिसमें कितना समय लगा होगा, आपके जमाने से बना होगा सही? सर, इनको काफी समय हो गया है, पेड़ भी लगते हैं, ये समय सब धीरे धीरे होते हैं, उत्पन्न बढ़े तो अच्छी सजावट भी होती है, इनके लिए अच्छे प्रदूषण वो होते हैं क्या नाम से, तो एक लोकेशन अच्छी होती है सर इसके लिए, जो अच्छी शोभा दिखाते हैं, साफ सफाई काफी यहाँ पे सुंदर भी है। यहाँ पे बहुत काफी सुंदर है जी, और ये स्थान हमें लगता है टूरिस्टों को टहलने के लिए काफी अच्छा है जी। सर, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, काफी अच्छी सी लोकेशन में बना है, और इसमें आपको दे दें जाली वाली झाड़ियां हैं जैसे आप देख रहे हैं, काफी अच्छे से सुंदर दर्श हैं यहाँ पे। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, काफी सुंदर हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पे काफी अच्छी वाटिका है, जो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर की वाटिका है। यहाँ श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के साथ उनको तीर्थ स्थल करवाने के लिए ले गए थे, वो भी दर्श दिखाया गया है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं अब जगदीश सर से ही पूछना चाहता हूँ। सर, जैसे यहाँ पे श्रवण जी का ये बना है, श्रवण जी का जी, माता पिता को ले जाए, ये आपके सामने बना था, ये कितना समय हो गया? ये सर काफी समय हो गया, ये मने थे जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था सर। अच्छा, इसको काफी समय हो गया, पता नहीं मेरे पापा जी की उम्र जब। ये मंदिर कितने साल पुराना होगा? सर, इसको लगता है कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया इसको बना हुआ। 20 साल? हाँ जी। इनका कहना है जो मंदिर है जो 20 साल से ऊपर हो गया है बनते हुए, और काफी अच्छी सजावट है यहाँ पे, जैसे आप मेरे देख रहे हैं पीछे, घनी बस्ती है। यहाँ पे काम भी चल रहा है, यहाँ हनुमान जी की भी मूर्त है। यहाँ पे काफी हनुमान जी, बालाजी में आप जब भी आएंगे तो आपको हनुमान जी मंदिर काफी मिलेंगे, और यहीं पे एक अंजनी मंदिर भी है, माता अंजनी मंदिर है, वहां पे काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखेंगी। हमारे राजस्थान के सारे भाई हमारे साथ में हैं और मुझे लेके हर जगह जा रहे हैं। हेलो, हम वीडियो बनाते क्यों बात कर रहे हैं?
कितना हरा जंगल है, यहाँ पूतना भी है। क्यों सर, ये पूतना ही तो है जी? ये पूतना जी का मंदिर, ये पूतना जी। देखिए मैं अब आप लोगों को गुफा ले जाऊंगा और गुफा के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा। सर चलिए, हमारे सर जा चुके हैं गुफा के अंदर, आप भी चलिए सर। सर भी जा चुके हैं, अब हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, हमारे सर भी लोग गुफा के अंदर, यहीं पर पूतना जी भी हैं। देखिए कितनी भयंकर पूतना जी हैं। यहाँ हमारे राजस्थान के सारे भाई लोग खड़े, कितनी अच्छी जानवर हो गए। तोता जी, कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती है एनएम न्यूज से। जय हिंद। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती है एनएम न्यूज से। आज मैं जगदीश सैनी संवाददाता के साथ में आया हूँ। मैं उनके ही क्षेत्र गांव में हूँ और जगदीश सैनी भी राजस्थान के ही संवाददाता हैं। सर अब आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं सर हमारे राजस्थान का कैसा एरिया है, पूरे एलोशन में आकर पूरी जगह का चरित्र दिखाएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, हमारे साथ भैया। मैम आपका नाम? नाम बता दें। क्या नाम? बोले ना, बोलो। यहाँ के लोग थोड़ा शर्माते हैं जी। क्या नाम है आपका? यशोदा देवी। बोले ना, यशोदा देवी। ये भी चलेंगे। मैम आपका क्या नाम है? जगनी देवी। ये जगनी, जगनी, जगनी देवी। अच्छा, यहाँ का लोकेशन भी अच्छा है, यहाँ की लेडीजें वाकई में बहुत अच्छी काम धंधा में, यूपी की तरह लेडीज है, यहाँ के लोग काम धंधे में अपना टाइम लगते हैं, यहाँ पे ज्यादा फालतू बात नहीं, अपने काम से मिलता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलन चलता है हुक्का का। हमारे बाबा जी देखिए जिस हिसाब से हुक्का पी रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बाबा जी कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 40 साल। सर इस हुक्के की विशेषता बता सकते हैं? इसमें तम्बाकू होती है जी जी, और तम्बाकू इसमें अंदर पानी होता है जो कि मतलब इससे फिल्टर होकर के इसमें धुआं आता है। अच्छा अच्छा, सर का कहना है फिल्टर होके इसमें तम्बाकू पड़ी होती है, जैसे आप देख रहे हैं। सर थोड़ा इस कैमरे की नजर में आप देखिए, जैसे सर ने बताया कि हुक्का में फिल्टर होके तम्बाकू पड़ी होती है, उसमें कुछ सर इससे कुछ सही भी होता है पेट वगैरह? हाँ वैसे सही होता है, इससे गैस नहीं बनता है। इससे गैस नहीं बनता। मैं चाहता हूँ यूपी वाले भी हुक्का खरीदे, हुक्का पिए, क्योंकि उससे पेट सही रहता है। और आप राजस्थान में काफी अच्छा परिवार है, काफी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। खेती बाड़ी दिखाते हैं, यहाँ पे मैं आपको खेती बाड़ी भी दिखाने वाले भैया जी ले जा रहे हैं। और मैं सारे राजस्थान को अपनी तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि काफी अच्छे प्यारे लोग हैं यहाँ पे और अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखा भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। यहाँ पे राजस्थान की खेती होती है, गाजर धोने की मशीन है। ये गाजर धोने की मशीन है सर। ये मूली है। ये मूली है, मूली की विशेषता आप बता दे दिए। ये सब्जी रंधे में काम आती है, खाने में काम आती है, ये भी हमारे राजस्थान के किसान लोग स्वस्थ रखती है और इसमें उगाते हैं। अच्छा, सर्दी के मौसम में फायदेमंद होती है। ये सर क्या है? ये गाजर धोने की मशीन। इधर आ जाइए, आप बताइए। आजा भाई। ये सर क्या है? ये गाजर धोने की मशीन है, इसमें गाजर डालते है। इसमें गाजर डालते है, इसमें अपन गाजर, इसमें 50 से 1 क्विंटल तक गाजर मार, इसमें गाजर डाल समा जाती है। इसमें गाजर डाल के क्या होता है? इसमें गाजर भर के इसको बंद कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके बाद इसको लगाने के बाद फिर इंजन द्वारा या फिर हाथ से फेरने के बाद ऑटोमेटिक गाजर डूब जाती है। ये मशीन जो है वो गाजर को धोने में, गाजर के धोने में काम आती है, जैसे भैया जी बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं काफी अच्छे यहाँ पे खेत भी हैं और काफी लोकेशन अच्छी है, हरे हरे खेत हैं जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, काफी लोकेशन अच्छी है यहाँ।
राजस्थान का काफी अच्छे लोगों में प्यार और स्नेह भी है, और काफी चीज ऐसी है जो मेहनती है। राजस्थान के लोग काफी मेहनती और काफी, यहाँ पे क्या बोया है, यहाँ मूली बोई है। राजस्थान की मूली बहुत मोटी होती है, यूपी जैसे देखिए, ये हरा भरा पेड़, ये कर क्या है, गेहूं की फसल है, ये गेहूं की फसल है, आप देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है। काफी यहाँ पे समय लगता है क्योंकि यहाँ पे पानी की ज्यादा दिक्कत होती है। मूली है, यहाँ मेहदीपुर बालाजी से कम से कम 8-7 किलोमीटर दूरी जगह, 5 किलोमीटर दूरी है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम जी लाड भाई। आप खेती के विशेषज्ञ के बारे में कुछ बता सकती हैं? आप भी करती हैं खेती? खेती कराना, गाजर खोद बाजार है, गाजर होती है यहाँ पे। और क्या होता है सबसे ज्यादा, क्या क्या होता है? मूली हो या गाजर है, धनिया है, पालक है। अच्छा, धनिया है, पालक है। मैम का कहना है कि यहाँ धनिया है, गाजर है, पालक है, मूली। धन्यवाद मैम। यहीं पर आपको मैं दिखा दूं, गाजर खुदवा लग रही है, खुदरी। अच्छा, यहाँ पे काफी अच्छे स्नेह के लोग हैं और प्यारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत हमजल के रहते हैं। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती हूँ NM News से।